दोस्तों, इस ज़माने में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन आसान होता जा रहा है। पहले हम फ़ोन डायरेक्टरी देखते थे नंबर्स को देखने के लिए, आज हम मोबाइल में फ़ोन बुक रखते हैं जहाँ पे हम मोबाइल नंबर सेव कर सकते हैं, जिसकी वजह से जब भी हमें कोई नंबर डायल करना होता है, नाम को सर्च करते हैं, नंबर आ जाता है, नंबर को क्लिक किया और डायल हो गया। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारे पास फ़ोन बुक नहीं है, फ़ोन है फ़ोन बुक नहीं है, तो अब क्या करेंगे? तो हमारा जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा, हर नंबर्स को हमें याद रखना पड़ेगा। जिस तरह हम फ़ोन पे कोई भी फ़ोन नंबर ढूंढना होता है तो हम सिर्फ सर्च करते हैं, नंबर आ जाता है, डायल करते हैं, डायल हो जाता है, उसी तरह से इंटरनेट में भी एक बहुत बड़ी फ़ोन बुक जैसी चीज़ है जिसे हम DNS कहते हैं। DNS क्या होता है हम इस वीडियो में समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। आइए तो शुरू करते हैं DNS का ये वीडियो ट्यूटोरियल। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल IGIG ट्यूटोरियल्स को और बेल आइकन को दबाएं नई लर्निंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इंटरनेट की दुनिया में DNS बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर DNS अगर इंटरनेट में नहीं होगा तो आपका इंटरनेट कोई भी नहीं चलेगा, ना आप ब्राउज कर पाओगे, ना कोई आप कोई इंटरनेट में चीज़ देख पाओगे। वो क्यों होता है, आइए इस वीडियो में समझते हैं DNS होता क्या है। मान लीजिए मैं किसी टैक्सी में बैठता हूँ और मैं टैक्सी वाले को ये कहता हूँ कि भाई मुझे आप राजेश के घर पे ले चलो, तो टैक्सी ड्राइवर वाला बोलेगा कि भाई कहाँ पे चलना है, आप मुझे उसका एड्रेस दीजिए। मैं बोलूँगा भाई जल्दी चलो, मुझे जल्दी जाना है। वो क्या करेगा, वो स्टॉप करेगा, बोला सबसे पहले मुझे एड्रेस दो उसका, तो ही मैं जा पाऊँगा, अदरवाइज मैं नहीं जा पाऊँगा। उसी तरह इंटरनेट की दुनिया में भी एड्रेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में हम एड्रेस को एड्रेस नहीं बोलते हैं, IP एड्रेस बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के थ्रू ही सिस्टम एक दूसरे से बात करता है और आगे का कम्युनिकेशन करता है। मान लीजिए आपने कोई ब्राउज़र पे आपने yahoo.com किया या google.com आपने टाइप किया, जैसे ही ब्राउज़र में ये चीज़ें आप टाइप करते हैं तो ब्राउज़र को चाहिए होता है सबसे पहले उसका IP एड्रेस। दुनिया में हम एक दूसरे को नाम से जानते हैं, कंप्यूटर के लाइन में कंप्यूटर एक दूसरे को IP एड्रेस से जानते हैं, यानी कि जब तक IP एड्रेस नहीं होगा कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। जब भी आप ब्राउज़र में yahoo.com या google.com जब भी आप टाइप करते हैं, ब्राउज़र को चाहिए होता IP एड्रेस। ब्राउज़र को नहीं मालूम कि yahoo.com क्या है और google.com क्या है, ब्राउज़र को चाहिए सबसे पहले IP एड्रेस। IP एड्रेस जब तक नहीं मिलेगा ब्राउज़र आगे बढ़ेगा नहीं। आप जब भी अपने ब्राउज़र में कोई फेवरेट एड्रेस डालते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल youtube.com या google.com, तो वो क्या करता है, ब्राउज़र को सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो चाहिए IP एड्रेस। IP एड्रेस ढूंढने के लिए अपना रिक्वेस्ट भेजता है DNS को। DNS क्या करता है, अपने सर्वर के डेटाबेस पे, DNS अपने सिस्टम के डेटाबेस पे वो चेक करता है कि google.com का IP एड्रेस क्या है या youtube.com का IP एड्रेस क्या है। वो IP एड्रेस जैसे ही मिलता है ब्राउज़र आपके सामने, वो वेबसाइट को खोल देता है। DNS क्या है, DNS एक फ़ोन बुक जैसा है जहाँ पे सारी दुनिया की डोमेन की IP एड्रेस मेंशनड होती है, रिकॉर्डेड होती है। DNS को हम मैसिव फ़ोन बुक की तरह भी हम बोल सकते हैं, जहाँ पे हज़ारों लाखों एड्रेसेस रिकॉर्डेड है, डोमेन नेम और IP एड्रेस। DNS का सबसे पहले रिक्वेस्ट जाता है रिकर्सिव नेम सर्वर के पास, जो ISP ऑपरेट करता है। लेकिन आप पब्लिक सर्वर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गूगल के पास पब्लिक सर्वर्स है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, और भी ऑर्गेनाइजेशन के पास पब्लिक सर्वर्स है, नेम सर्वर्स है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके रिकर्सिव नेम सर्वर में प्रॉब्लम है। रिकर्सिव मेन सर्वर के पास आपका अगर IP एड्रेस है तो वो आपको IP एड्रेस दे देगा, लेकिन मान लीजिए कि किसी कारण से IP एड्रेस उसके पास नहीं है, तो वो क्या करेगा, दुनिया में जो 13 रूट सर्वर्स है वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा जहाँ से उसको IP एड्रेस मिल सके। तो ये रूट सर्वर मेजर अप्रोप्रिएट नेम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं उसके IP एड्रेस के लिए। ये मेजर नेम सर्वर रिक्वेस्ट करते हैं टू गेट द लेटेस्ट नेम सर्वर लिस्ट, जहाँ पे IP एड्रेस और डोमेन नेम रजिस्टर होता है, रिकॉर्डेड होता है। जैसे ही उसको IP एड्रेस मिल जाता है, ये IP एड्रेस रिकर्सिव नेम सर्वर को चला जाता है और अकॉर्डिंगली आपके ब्राउज़र पे आप वो वेबसाइट खुल जाती है। DNS जब तक
आपके डीएनएस जब तक ठीक से काम कर रहा है आपके सिस्टम पे, तो जब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई डीएनएस चेंज हो गया किसी मालवेयर के वजह से, या कोई वायरस के वजह से, या प्रोग्राम ऐसा कोई आपने मालवेयर जैसा कुछ डाल दिया है जिसमें आपका आईपी एड्रेस चेंज हो गया है, जहाँ पे मान लीजिए आपने कोई बैंक का साइट का आईपी जो भी था, वो मालवेयर ने उस आईपी एड्रेस को चेंज करके उसने खुद का आईपी एड्रेस डाल दिया है जो जो हैकर ने बनाया होगा, तो क्या होगा, जब भी आप वो बैंक का साइट खोलेंगे तो उसमें वो वेबसाइट एक्चुअल वेबसाइट को खोलने के जाए वो खोल देगा कोई गलत वेबसाइट। तो इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होने की चांसेस है और बहुत बड़ा लॉस होने की चांसेस है। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप अपने कंप्यूटर में लेटेस्ट एंटीवायरस डालकर रखिए और उसको हमेशा अपडेट रखिए, और एंटी मालवेयर भी आप अपने सिस्टम पे जरूर रखें ताकि ये सब प्रॉब्लम से आप बच सकें। हो सकता है कि आपको वो कुछ हद तक सपोर्ट कर सके, कुछ हेल्प कर सके। DNS ने इंटरनेट की दुनिया में हमारी लाइफ बहुत इजी कर दी है, जहाँ पे हमें आईपी एड्रेस को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें उसका नाम याद रखना होता है और जैसे ही टाइप करते हैं डोमेन नेम सिस्टम DNS की मदद से आप उस वेबसाइट तक पहुँच जाते हैं। ये उसी तरह से है कि आप अपने फ़ोन में नंबर सेव किया नाम के साथ, जैसे नाम आपने टाइप सर्च किया, डायल किया, नंबर लग गया, उसी तरह से इंटरनेट ब्राउज़र में आपने वेबसाइट का नाम डाला, वो आईपी ढूंढा और आपके आपके कंप्यूटर के सामने आपको वो वेबसाइट खोलकर दे दिया। तो ये यही होता है पूरा DNS, यही होता है पूरा DNS का फंक्शन, ये इसी तरह से DNS काम करता है। आप समझ गए होंगे DNS हमारे 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 लाइफ इंटरनेट लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको DNS का सिस्टम समझ में आ गया होगा, किस तरह से काम करता है और किस तरह से इसका वर्किंग होता है और आपको ये किस तरह से इजी करके आपके ब्राउज़र के सामने कोई भी वेबसाइट खोल देता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कोई सवाल या सुझाव होगा तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर शेयर और लाइक नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। थैंक यू।